पत्रिका की टीम पहुंची है। यहाँ पर साई कॉलोनी में करीब जो है 11 से 12 एक दर्जन मकान प्रशासन की टीम ने शाम को 5 बजे तोड़ दिया। और ये जो ग्रामीण लोग हैं जिनकी संख्या 10 से 12 है, ये लोग इस कपकपाती सर्दी में, जबकि रात का इस समय तापमान लगभग 5-5.5 डिग्री तापमान है, उस समय ये लोग कपकपाती सर्दी में रोड पर अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या ये का अभी ये कब तोड़ने के लिए आए थे? शाम को आए, शाम को आए थे। फिर पड़ गया, तोड़ दिया। फिर अब तोड़ दिया तो आप लोगों की सोने के लिए जगह क्या है? ये नहीं होता सब, हम सब गुजर होता सब बाहर जमीन पे सो रहे हो। अब अगर पाला कि नहीं होता, आप भी देख लो कौन दिक्कत। क्या नाम है आपका? अमर सिंह क्यों तोड़ा ये बताया कि तोड़ने से पहले क्यों तोड़ा, काय के लिए तोड़ रहे? साहब ये नहीं दो नोटिस दिया, कुछ भी नहीं दिया, नहीं दिया बिना नोटिस से पाड़ दिया ना। आप देख सकते हैं इनको कैमरे में, पत्रिका के कैमरे में, कि किस तरीके से ये लोग इस तरह रोड पर बैठे हुए हैं और प्रशासन के हठधर्मिता का ये शिकार हुए हैं। प्रशासन का कहना था कि खेल मैदान पर इन लोगों ने अपने झोपड़े बना लेते, इसलिए इनको अतिक्रमण मान के तोड़ा गया। शाम की 5 बजे तोड़ा गया और इन ग्रामीणों का कहना है कि इनको कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। पत्रिका के लिए मैं आशीष पाठक की रिपोर्ट।